हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सिने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2017 में आई एक मिस्ट्री फिल्म माइग्रेट इन मनमार्टी को। ये एक्चुअली फिल्म नहीं है, ये कुछ एपिसोड्स का सीजन है जिसमें डिटेक्टिव माइग्रेट हर एपिसोड में एक अलग केस सॉल्व करते हैं। तो अगर आप सिर्फ इसका एक एपिसोड देखे तो आपको एक फिल्म की तरह ही लगेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.1 out of 10। ये रॉटन टोमेटोज पे 65% फ्रेश है। आई नो रॉटन टोमेटोज पे इसकी फ्रेशनेस काफ़ी कम है, लेकिन इसे 93% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और पर्सनली मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी। और अगर मेरे इस वीडियो पे अच्छे व्यू आते हैं तो फिर मैं इसी का नेक्स्ट एपिसोड भी डालूंगी। और अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं और आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स एक आदमी को देखते हैं जो कि एक काउंटेस के सामने खड़ा होता है। यहाँ पर वो इधर उधर बॉक्स में पैसे ढूंढ रहा होता है पर उसे पैसे नहीं मिलते। तो एंड में आके वो उस काउंटेस का क्राउन ही उठा लेता है और बोलता है कि हमें वो चाहिए। असल में ये काउंटेस और ये आदमी मॉर्फिन नाम के एक ड्रग्स के बहुत ज्यादा एडिक्टेड होते हैं और यहाँ पर वो लड़का इसीलिए पैसे ढूंढ रहा होता है मॉर्फिन लाने के लिए। और ये काउंटेस भी दिन भर बस मॉर्फिन के नशे में ही डूबी रहती है। यहाँ पर जब वो लड़का बाहर निकलता है तब उसे एक स्ट्रेंजर दिखता है जो कि उसी काउंटेस के रूम की तरफ जा रहा होता है। तो इस पर वो लड़का बोलता है कि वहां पर अभी कोई नहीं जा सकता, पर इस पर वो स्ट्रेंजर उसकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ता रहता है। तो वो लड़का उसे रोकने जाता है पर इस पर वो स्ट्रेंजर खुद उस लड़के का गला दबाने लगता है और उसे गला दबाकर वहीं पर छोड़ देता है। पर थोड़ी देर बाद वो लड़का अपनी आंखें खोल लेता है क्योंकि वो मरा नहीं होता, जबकि स्ट्रेंजर को लग रहा होता है कि शायद उसने उसे मार दिया है। और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट सीन में एक क्लब को देखते हैं जहाँ पर एक डांसर डांस कर रही होती है। यहाँ पर वो डांस करते करते हैट पहने हुए एक आदमी को देखती है। उसे बस उस आदमी का काला साया ही दिखता है और जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। इस डांसर का नाम होता है आर्लेट। अब उस साये को देखकर आर्लेट बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसी वक्त वो वहाँ से निकलकर बाहर चली जाती है। यहाँ से भागते हुए वो पुलिस स्टेशन में जाती है और पुलिस स्टेशन में वो बात करने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पर जिससे बात कर रही होती है उसका नाम होता है जेवियर। वो जेवियर से बात कर रही होती है कि तभी वहाँ पर हमारी मूवी का मेन डिटेक्टिव माइग्रेट आ जाता है। यहाँ पर माइग्रेट उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब आर्लेट बताती है कि उसने डांस करते करते दो लोग को सुना और वो लोग आपस में बात कर रहे थे किसी काउंटेस को मारने की। जेवियर इन सब बातों को बहुत ही हल्के में लेता है। उसे लगता है कि एक ड्रंक वुमन है, इसे क्या ही पता होगा, ये बस ऐसी नशे में बकवास कर रही है। और थोड़ी देर बाद आर्लेट वहीं पर घबरा कर सो जाती है। जब वो सो रही होती है तभी अचानक से वो नींद में चिल्ला के उठती है और बोलती है ऑस्कर, और ये सब कुछ माइग्रेट देख लेता है। माइग्रेट उससे पूछता है कि ऑस्कर कौन है पर इस पर वो कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि अब मुझे घर जाना चाहिए। यह आधी रात होती है पर फिर भी माइग्रेट उसे अकेले जाने देता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम अर्ली मॉर्निंग देखते हैं जहाँ पर माइग्रेट अपने घर में होता है और तभी उसे कॉल आता है। कॉल पे उसे पता चलता है कि वही लेडी जो रात में पुलिस स्टेशन आई थी आर्लेट, उसका किसी ने मर्डर कर दिया है। ये सुनने के बाद माइग्रेट जल्दी से आर्लेट के फ्लैट पे जाता है जहाँ पर वो देखता है कि आर्लेट की डेड बॉडी पड़ी होती है। उसकी डेड बॉडी पे कुछ निशान बने होते हैं, मतलब गला वगैरह दबाने के। यहाँ पर पहले से पुलिस की टीम और डॉक्टर्स पहुँच चुके होते हैं। अब डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये खून किसी आदमी ने किया है जिसके हाथ काफी स्ट्रांग हो और बड़े हो। यहाँ पर रूम में दो जगह पे खून के निशान भी पड़े होते हैं जबकि आर्लेट की बॉडी पर कहीं पर भी चोट का निशान नहीं होता, तो जरूर ये खून उसी खूनी का होगा। पर इस पर माइग्रेट बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि ये खून दो लोगों का हो और यहाँ पर कोई तीसरा भी हो। अब यहाँ पर माइग्रेट अपने एक जूनियर को बुलाता है जिसका नाम होता है लेपॉइंटे। वो लेपॉइंटे को बोलता है कि यहाँ पर जितने भी ऐसे लोग हैं जो अपने नाम के आगे काउंटेस लगाते हैं मुझे उन सब की लिस्ट चाहिए। इसके बाद जेवियर और माइग्रेट उसी क्लब में जाते हैं जहाँ पर आर्लेट काम करती है। यहाँ पर क्लब के ओनर का नाम होता है फ्रेड। फ्रेड एक बहुत ही घटिया इंसान होता है और वो यहाँ पर लड़कियों से डांस करवाता है। इसके साथ साथ वो उन लड़कियों को असॉल्ट भी करता है और फ्रेड की वाइफ ये सब कुछ जानती है पर वो कुछ कर नहीं सकती, वो मजबूर होती है। फ्रेड की वाइफ का नाम होता है रोजा। रोजा एक बहुत ही अच्छी लेडी होती है जो कि बहुत सारी बेसहारा लड़कियों की मदद करती है, पर सबकी मदद करने के बाद भी वो उन्हें अपने पति से बचा नहीं पाती है। यहाँ पर रोजा उन्हें बताती है कि आर्लेट के शो से पहले उससे मिलने एक लड़का आया था जो कि आर्लेट को पसंद करता था और वो आर्लेट का बीएफ भी बनना चाहता था। अब ये सुनने के बाद माइग्रेट का पूरा ध्यान चला जाता है उस बीएफ को ढूंढने में क्योंकि अब उसे ऐसा लगता है कि वो बीएफ ही वो की है जिसके थ्रू वो इन सब चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। दूसरी तरफ माइग्रेट को बहुत ज़्यादा अफसोस भी हो रहा होता है क्योंकि एक रात पहले ही वो उसके पास हेल्प के लिए आई होती है और वो कहानी जो उसने बताई थी कि किसी काउंटेस का मर्डर होने वाला है वो असल में उसकी बनाई हुई कहानी थी। वो वहाँ पर किसी चीज़ की रिपोर्ट करने के लिए नहीं आई थी, वो बस वहाँ पर किसी से बचने के लिए आई थी और बचने के लिए पुलिस स्टेशन सबसे सेफ प्लेस थी।
पर फिर भी उन लोगों ने उसे आधी रात में जाने दिया और उनकी वजह से ही उसका मर्डर हो गया। तो अब माइग्रेट बोलता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसके मर्डरर को ढूंढ के निकालूंगा। जब वो ये सारी बातें कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसे न्यूज़ मिलती है कि एक जगह पे एक काउंटेस का मर्डर हो गया है। इसके बाद वो लोग काउंटेस के घर पे जाते हैं। यहाँ पर ये वही काउंटेस होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जो कि मॉर्फिन का नशा करती है। उसके रूम में बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें रखी होती है और बाहर वो क्राउन भी पड़ा होता है जिसे लेकर वह लड़का जा रहा था। तो इस सबसे माइग्रेट को ये समझ में आता है कि जरूर वो जो भी था वो यहाँ पर सिर्फ काउंटेस को मारने के लिए आया था, सामान चुराने के लिए नहीं, वरना यहाँ पर चुराने के लिए बहुत सारी चीजें थी। यहाँ पर माइग्रेट वहीं पर रहने वाली एक लेडी से मिलता है और वो उससे बात करता है। वो लेडी उसे बताती है कि काउंटेस यहाँ पेरिस में आने से पहले सेंट सिमोन नाम के एक होटल में रहती थी अपने काउंट के साथ, पर एक दिन काउंट की डेथ हो गई और उसके बाद काउंटेस बहुत ज्यादा टूट गई और फिर वो जगह छोड़कर पेरिस में आ गई। और जब से वो पेरिस में आई तभी से वो मॉर्फिन के नशे में डूब गई। माइग्रेट पूछता है कि यहाँ पे और कोई आता है क्या, तो वो लेडी बताती है कि यहाँ पर एक डॉक्टर आता है, डॉक्टर ब्लॉच, और इसके अलावा एक और लड़का आता है। ये वही लड़का होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में काउंटेस के साथ देखा था। इसके बाद माइग्रेट पूछता है कि क्या आप किसी ऑस्कर को जानती हैं, तो वो लेडी कहती है कि हाँ वो तो हमेशा यहीं पर रहता है और वो तो अभी भी यहीं पर ही है, रुकी मैं उसको लेकर आती हूँ। और ये सुनते ही वहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो सब एकदम अटेंशन में आ जाते हैं और सब अपनी गन निकाल लेते हैं। और इसके बाद वो लेडी एक बिल्ले को लेकर आती है जिसका नाम उसने ऑस्कर रखा होता है। अब यहाँ से बाहर निकलकर माइग्रेट डॉक्टर ब्लॉच को देखता है जो कि वहीं पर ही आ रहे होते हैं। यहाँ पर डॉक्टर ब्लॉच को अपने ऑफिस में बुलाता है और फिर वो बोलता है कि आप मॉर्फिन का धंधा करते हैं और अब वहाँ पे काउंटेस के चेकअप वगैरह के लिए नहीं बल्कि उसे मॉर्फिन देने जाते थे, और ये बात सच भी होती है, तो उस डॉक्टर को मानना पड़ता है। उसके बाद वो उस लड़की के बारे में पूछते हैं तो डॉक्टर बताता है कि उसका नाम है फिलिपी। फिलिपी वहीं पर ऊपर एक लॉफ्ट में रहता है और वो और काउंटेस दोनों ही मॉर्फिन के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थे और फिलिपी के पास कोई काम भी नहीं होता है, तो वह एज अ मेल प्रोस्टिट्यूट काम करता है और इस काम से मिले हुए सारे पैसों से वो सिर्फ ड्रग्स खरीदता है। इसके बाद वो सब लोग लॉफ्ट में जाते हैं। यहाँ पर लॉफ्ट बहुत ही गंदा सा लॉफ्ट होता है और यहाँ पर उन्हें खोजबीन करने पर कुछ भी ऐसा खास नहीं मिलता। तो फिर माइग्रेट बोलता है कि जेवियर यहाँ पर रुकेगा और उस लड़के का इंतजार करेगा, और जब वो लड़का आएगा फिलिपी तब जेवियर को उसको पकड़ना है, और दूसरी तरफ माइग्रेट खुद उसी क्लब में जाएगा और वहाँ पे लड़कियों से पूछताछ करेगा। अब माइग्रेट क्लब में होता है और जेवियर वहाँ पर वेट कर रहा होता है फिलिपी का। फिलिपी आता तो है पर थोड़ी देर में उसे अंदाजा लग जाता है कि कोई यहाँ पर है और वो वहाँ से भाग जाता है और जेवियर उसे मिस कर देता है, मतलब कि वो उसे पकड़ नहीं पाता। दूसरी तरफ क्लब में माइग्रेट दो लड़कियों से बात कर रहा होता है। यहाँ पर एक को तो कुछ भी नहीं पता होता पर दूसरे को आर्लेट का रियल नेम पता होता है, मतलब कि जो आर्लेट का ये नाम होता है ये उसका नकली नाम होता है जो उसने पेरिस में आकर लिया था। उसका असली नाम होता है मैरी। यहाँ पर वो लड़की भी बताती है कि कोई उसे पसंद करता था पर उसका नाम क्या है ये मैरी ने कभी भी किसी को बताया नहीं क्योंकि वो बहुत स्पेशल था। अब नेक्स्ट सीन में हम फिलिपी को देखते हैं जो कि पुलिस से छिपकर भाग रहा होता है। यहाँ पर एक आदमी आता है और उसे ऑफर देता है वही जो वो काम करता है उसी का, तो फिलिपी मान जाता है और जैसे वो बाहर निकलता है और उस आदमी को फॉलो करता है तब उसे पता चलता है कि वो तो पुलिस का एक ट्रैप था और अब वो फंस चुका है और पुलिस उसे पकड़ लेती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम माइग्रेट को देखते हैं जहाँ पर एक दूसरा आदमी काउंट और काउंटेस के बारे में पुराने न्यूज़पेपर से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर उसे बता रहा होता है। यहाँ पर बताता है कि काउंट काफी यंग थी और काउंटेस बुढ़ा था, दोनों की शादी तो हुई पर दूसरे साल में ही सब कुछ बिगड़ गया, मतलब काउंट काफी ज्यादा अब्यूसिव था और वो काउंटेस को मारता था और उस होटल में बालकनी से गिरने की वजह से काउंट की डेथ हो गई थी। उसके बाद काउंटेस वहाँ पर 6 मंथ और रही पर 6 मंथ बाद उसने उस होटल को छोड़ दिया और वहां से वो पेरिस आ गई और पेरिस में आकर वो गलत लोगों की संगत में पड़ गई और मॉर्फिन जैसी ड्रग्स की एडिक्टेड हो गई। इतनी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद माइग्रेट अपने ऑफिस में आता है। यहाँ पर वो ले पॉइंट को बुलाता है। अभी तक ले पॉइंट को जो भी काम दिया जा रहा था उसे करते वक्त वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जा रहा था, जिससे माइग्रेट को समझ में आ जाता है कि इसका आर्लेट से कोई ना कोई रिलेशन तो जरूर है। और यहाँ पर पूछने पर ले पॉइंट उसे बता देता है कि वो ही वो लड़का है जो कि आर्लेट को पसंद करता था और वो आर्लेट से शादी करना चाहता था और शायद आर्लेट भी उसे पसंद करती थी। अब माइग्रेट बोलता है कि हम इतनी देर से तुम ही को ढूंढ रहे थे, तो इस पर ले पॉइंट सॉरी बोलता है। वो कहता है कि मैं बताना तो चाहता था पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद ले पॉइंट बताता है कि आर्लेट कभी भी अपने बारे में ज्यादा बताते नहीं थी पर फिर भी उसने कुछ बातें बताई है, जैसे कि उसका जन्म एक गाँव में हुआ था जहाँ पर उसकी आंट ने उसे बड़ा किया था। यहाँ पर उसके गाँव का नाम और उसकी आंट जो कि फ्रॉक सिलने का काम करती थी वो भी बताता है। इसके बाद माइग्रेट ले पॉइंट से बोलता है कि तुम्हें उन लोग की लिस्ट निकाल ली है जिस किसी ने भी उस होटल में से, मतलब होटल सेंट सिमोनी में से, काउंट की डेथ के बाद जॉब छोड़ दी हो
और साथ में छोड़ने का रीजन भी। नेक्स्ट सीन में माइक ग्रेट आंट के घर पे जाता है, जहाँ पर वो आंट उसे बताती है कि जब मैरी 13 साल की थी, मैरी मतलब आर्लेट, तब वो सिर्फ 13 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी और किसी को भी नहीं पता था कि उस बच्चे का फादर कौन है। यहाँ पर खुद उस आंट के हस्बैंड को लग रहा था कि शायद वो भी उसका फादर हो सकता है। एक दिन उसके हस्बैंड ऐसे ही मैरी का पीछे करते करते उसी होटल तक पहुँचते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि 13 साल की मैरी वहाँ पर एज अ प्रोस्टिट्यूट काम करती है, और तब उन्हें विश्वास हो जाता है कि वही उस बच्चे के बाप हैं। अब मूवी में उन्हें ऐसा क्यों लगा ऐसा बताया नहीं गया है, पर ऐसा हो सकता है कि वो किसी दिन नशे वशे की हालत में उसी होटल में पहुँच गए हो और उन्होंने मैरी को ही हायर कर लिया हो, और नशे में होने की वजह से उन्हें खुद को भी ये बात पता ना चली हो। अब मैरी उनकी वजह से प्रेग्नेंट हो गई है, इस गम में उसके हस्बैंड सुसाइड कर लेते हैं और वो बच्चा भी पैदा होते ही मर जाता है। इतनी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद माइग्रेट वहाँ से चला आता है। अब नेक्स्ट सीन में हम फिलिपी को देखते हैं। यहाँ पर वो सब फिलिपी से बहुत ज़्यादा पूछताछ करते हैं, पर फिलिपी इतना ज़्यादा घबराया होता है और इतना ज़्यादा डरा हुआ होता है कि वो उनमें से किसी को भी कुछ नहीं बताता। अब माइग्रेट की परमिशन के बिना वहाँ पे बाकी ऑफिसर्स उसकी पिटाई कर देते हैं, जबकि ये तरीका माइग्रेट का नहीं होता, और वो बाकी सबको इस बात के लिए बहुत डांटता भी है, पर यहाँ पर पिटने के बाद भी फिलिपी कुछ भी नहीं बताता। दूसरी तरफ ले पॉइंट मार्गरेट को बताता है कि काउंट के मरने के बाद वहाँ से 2 लोगों ने जॉब छोड़ दी थी, जिसमें से एक तो एक लेडी है और दूसरा एक आदमी है जिसका नाम है ऑस्कर। ले पॉइंट को वो लेडी अब कहाँ है ये भी पता चल गया होता है, और वो लेडी भी पेरिस में ही होती है। अब माइग्रेट उस लेडी से मिलने जाता है। वो लेडी अंधी होती है और वो सोनार सिस्टम का यूज करके, मतलब कि आवाज कितनी दूर से रिफ्लेक्ट होकर उसके पास तक आ रही है, वो इस तरह से चीजों को देखती और समझती थी, इसलिए उसने कभी भी ऑस्कर की शक्ल नहीं देखी होती है, बस उसकी आवाज सुनी होती है। यहाँ पर लेडी बताती है कि ऑस्कर एक बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान था और वो होटल में आए हुए गेस्ट को लड़कियां प्रोवाइड करवाता था, और उसने इस काम पर आर्लेट को रखा था, मतलब कि 13 साल की आर्लेट को प्रोस्टिट्यूट ऑस्कर ने बनाया था। वो लेडी ये भी बोलती है कि काउंटेस पर और मैरी पर, मतलब आर्लेट पर, ऑस्कर का कंट्रोल था पता नहीं कैसे, और जब काउंटेस और मैरी ने वो होटल छोड़ा तो उन दोनों ने वो होटल साथ में छोड़ा था, और ऑस्कर ने उनका पीछा भी किया था, और शायद अब वो यहीं पर है। ये सुनने के बाद माइग्रेट को ये पता चल जाता है कि ऑस्कर अब यहीं पर है और वो हर पल उनके ऊपर नजर रख रहा है। तो माइग्रेट ये प्लान बनाता है कि वो फिलिपी को छोड़ देंगे, और फिलिपी भागते हुए जहां भी जाएगा ऑस्कर उसे मारने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि जिस वक्त वो काउंटेस को मारने के लिए गया था उस वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसने फिलिपी को भी मार दिया है, पर फिलिपी जिंदा बच गया। तो अब अगर वो फिलिपी को जिंदा घूमते हुए देखेगा तो वो उसे मारने की कोशिश जरूर करेगा, और ऐसा करके हम उसे पकड़ सकते हैं। अब वो फिलिपी की मर्जी के अगेंस्ट उसे बाहर छोड़ देते हैं, और जेवियर उसका पीछा कर रहा होता है। दूसरी तरफ माइग्रेट उसी क्लब में जाता है। यहाँ पर क्लब के सामने उसी क्लब के लिए काम करने वाला एक आदमी होता है, जो कि रोड पे खड़े होकर आने जाने वाले लोगों को बोल बोल कर उस क्लब की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो माइग्रेट उससे जाकर बोल देता है कि अगर तुम्हें ऑस्कर दिखे तो बोल देना कि फिलिपी जिंदा है। अब माइग्रेट क्लब के अंदर जाता है। यहाँ पर वो फ्रेड से मिलता है, और वो फ्रेड से बोलता है कि तुम अपने साथ में काम करने वाली हर लेडी को असॉल्ट करते हो, और जिसके लिए तुम उन्हें यहाँ से दूर किसी होटल में लेकर जाते हो, पर वहाँ के होटल से हमें ये बात पता चली है कि तुम कभी भी वहाँ पर आर्लेट को लेकर नहीं गए। तो इस पर फ्रेड बोलता है कि मैं आर्लेट से सच में प्यार करने लगा था, और मैं चाहता था कि वो सामने से मुझे खुद से एक्सेप्ट करे, ना कि मैं उसे फोर्स करूं, और अगर वो मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लेती तो मैं सब कुछ छोड़कर उसके साथ हमेशा के लिए चला जाता। अब एक तरफ जब इनकी ये सारी बातें चल रही होती है, तभी दूसरी तरफ फिलिपी जाकर एक जगह पे बैठ जाता है, जहाँ पर वो उसी डॉक्टर ब्लॉच का वेट कर रहा होता है, क्योंकि अभी भी उसे सिर्फ मॉर्फिन की पड़ी होती है, और डॉक्टर यहाँ पर उसे बिना मॉर्फिन दिए ही भाग जाता है। और एक बार फिर से जेवियर सामने होते हुए भी फिलिपी को देख नहीं पाता, और फिलिपी उसकी नजरों से बचकर निकल जाता है। अब यहाँ से भागते भागते फिलिपी एक रोड पे जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है। यहाँ पर पीछे से एक कार आती है, और इस कार में डॉक्टर ब्लॉच होते हैं। डॉक्टर ब्लॉच उसे कार के अंदर बिठाते हैं और उसे मॉर्फिन देने जा रहे होते हैं, पर यहाँ पर मॉर्फिन के नशे में पागल फिलिपी इतना ज्यादा बोल रहा होता है कि परेशान होकर डॉक्टर उसे अपनी कार से लात मार के बाहर कर देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और उनके जाते ही वहां पर पीछे से एक दूसरी गाड़ी आती है, जो कि ऑलमोस्ट फिलिपी को टक्कर देकर मारने वाली होती है कि तभी वहाँ पर जेवियर आ जाता है और वो फिलिपी को मरने से बचा लेता है, और वो गाड़ी वाला वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ माइग्रेट को एक कॉल आता है कि किसी ने उनके पास कॉल करके ये बोला है कि उसे ऑस्कर के घर का पता पता है। अब ये फेक भी हो सकता है, पर माइग्रेट कोई भी चांस नहीं लेना चाहता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो बताए हुए एड्रेस पर जाएगा। तो अब वो क्लब से बाहर निकलता है और एक कैब बुक करता है, और कैब बुक करके वहाँ से निकल जाता है। अब जब वो ऑस्कर के घर के सामने पहुंचता है तो कैब ड्राइवर के सामने एक फैमिली फोटो रखी होती है, जिसे देखकर माइग्रेट बोलता है कि ये तुम्हारी फैमिली है। तो कैब ड्राइवर बोलता है कि नहीं, जिसका कैब है ये उसकी फैमिली है।
ये सुनते ही मैग्नेट को समझ में आता है कि यही ऑस्कर है जो कि उसे क्लब से इतनी दूर यहाँ पर छोड़कर आया है। अब वो इससे पहले उसे पकड़ पाता, ऑस्कर कार स्टार्ट करता है और वहाँ से भाग जाता है। अब अंधेरी रात में ऑस्कर का पोपट हो गया होता है, तो अब वो यहाँ से किसी और से लिफ्ट मांगता है और उसे क्लब तक छोड़ने को बोलता है, और वो आदमी उसे क्लब तक छोड़ भी देता है। अब जब वो क्लब के अंदर जाता है तो देखता है कि फ्रेड मरा पड़ा होता है, और दूसरी तरफ ऑस्कर ने रोजा को गन पॉइंट पर लेकर रखा होता है। और जब माइक ग्रेट वहां पर आता है और ऑस्कर को देखता है, तो ऑस्कर बोलता है कि पहले मैं रोजा को मारूंगा और फिर मैं खुद को भी मारूंगा, और तुम बस ये सब कुछ खड़े होकर देखते रह जाओगे। तो माइग्रेट बोलता है कि ठीक है, पर उससे पहले तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दो। आर्लेट और वो काउंटेस सेम टाइम पे उसी होटल में थे, जहाँ पर एक दिन आर्लेट देखती है कि काउंट अपने काउंटेस के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा बिहेव कर रहा है। और एक दिन जब काउंटेस की बर्दाश्त की हद हो जाती है, तो आर्लेट वहाँ पर आती है और काउंट को बालकनी से धक्का दे देती है, जिससे कि काउंट की डेथ हो जाती है। और तुम्हें ये बात पता चल जाती है क्योंकि तुम ये सब कुछ देख लेते हो, और इसके बाद से तुम उन दोनों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हो। और आर्लेट को ब्लैकमेल करके ही तुम एक 13 साल की बच्ची को एक प्रोस्टिट्यूट में बदल देते हो। और काउंटेस तो ऑस्कर बोलता है कि काउंटेस वो मुझे पैसे देती थी, पर एक दिन उसके पैसे खत्म हो गए और तब वो आर्लेट के साथ भागकर यहाँ पर आ गई, और मैं उसका पीछा करने लगा और उसे ढूंढने लगा। यहाँ पर आकर उसने मैरी को एक नई पहचान दे दी आर्लेट के नाम से, ताकि मैं उसे ढूंढ ना पाऊँ। और जिस रात मैंने आर्लेट को मारा था, उस रात वहाँ पर रोजा थी जो कि उसे बचाने आई थी आखिरी दम तक, और रोजा ने मेरे ऊपर चाकू से अटैक भी किया था, और इस पर मैंने भी उसके ऊपर अटैक किया था। और इसीलिए वहाँ पर रूम में दो टाइप के खून थे, एक रोजा का था और एक ऑस्कर का था। अब माइग्रेट बोलता है कि तुम बस एक बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान हो और कुछ भी नहीं। तभी पीछे से वहाँ पे ले पॉइंट आ जाता है और वो ऑस्कर को 4-5 गोलियां मार देता है, और ऑस्कर की ऑन द स्पॉट वहीं पर डेथ हो जाती है। अब ऑस्कर की डेथ के बाद माइग्रेट रोजा से पूछता है कि जब तुम्हें सब कुछ पहले से पता था तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, या फिर तुम हेल्प के लिए मेरे पास क्यों नहीं आई। तो इस पर रोजा बोलती है कि उन लोगों ने पहले से बहुत ज्यादा सफर किया था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी तो मुझे लगा कि ऐसा होगा कि तुम उन दोनों को ही काउंट को मारने के इल्जाम में अंदर कर दोगे। तो माइग्रेट बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करता। वो जिन्होंने इतना ज्यादा सफर किया है, मैं उन्हें इसके बाद और कुछ सफर होने नहीं देता। इसके बाद रोजा बोलती है कि ऑस्कर आर्लेट को लेने के लिए आया था, मतलब कि वो चाहता था कि आर्लेट वापस से उसके लिए काम करे, पर आर्लेट अब मना कर देती है क्योंकि वो पेरिस में ही रहना चाहती थी और वो दोबारा से अपनी उस बेकार लाइफ में वापस नहीं जाना चाहती थी। और उसका रीजन था ले पॉइंट, क्योंकि वो ले पॉइंट को बहुत पसंद करती थी। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।